चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण सई नदी में आए उफान से कुछ घरों में पानी भर जाने से लोगों को पलायन करना पड़ा। अखबार में इस खबर को पढ़ने के बाद मैं खुद को बेला देवी पुल की तरफ जाने से रोक नहीं पाया। सई नदी के आसपास तराई में बने घरों में जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बेला देवी की सीढ़ियाँ धीरे धीरे डूबने लगी थी। सई नदी का बहाव पुल के खंभों पर बने हुए निशान पर धीरे धीरे ऊपर सरकता जा रहा था। नदी के उस छोर पर उगे घने जंगल पानी में नीचे डूबने लगे थे। पुल के ऊपर जिंदगी अभी भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। पुराने रेलवे पुल पर एक्सप्रेस ट्रेन प्रतापगढ़ स्टेशन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। आसपास के गांव वाले मछलियां पकड़ने के लिए नदी के छोर पर डेरा जमाए बैठे हुए थे। जुगाली करती हुई भैंसें पानी में डूबकर ऐश फरमा रही थी। दूसरी तरफ पुराना लोहे का पुल पूरी तरह से शांत था। ये वही पुल है जिस पर बचपन में हम लोग साइकिल और रिक्के से आया जाया करते थे। वक्त के थपेड़ों से लड़ते लड़ते जब यह बूढ़ा हो गया तब इसे इसकी अंतिम सांसों तक ध्वस्त होने के लिए छोड़ दिया गया। अगर इस पुल का उन दिनों का कोई वीडियो होता तो मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता। काश कि उस समय डिजिटल कैमरों का आविष्कार हो चुका होता। ये सब फिल्माते हुए मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं इस नदी की आत्मा को पढ़ सकता हूँ। मानो या कह रही हो कि यदि मैं जीवन दे सकती हूँ तो जीवन लेने की शक्ति भी मुझ में, इसलिए मेरे किनारों से दूर रहकर अपनी बस्तियाँ बसाओ। यदि आप मेरी सीमा में प्रवेश करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। यह सृष्टि का नियम है और मैं इन नियमों का पालन करने पर विवश हूं। आशा है सई नदी का यह संदेश उन लोगों को समझ में आ चुका होगा जो पैसे के लिए प्रकृति का शोषण करने से बाज नहीं आते। इसी के साथ प्रकृति का संरक्षण व मानवता की भलाई का यह संदेश लोगों तक जरूर पहुंचे। जय प्रकृति, जय मनुष्य।